नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 3 दिन की लॉकडाउन के बाद प्रशासन मुस्तैद दिखी, वही जिले में सन्नाटा पसरा हुआ है और इसी के साथ पुलिस अपनी गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए हिदायत भी दे रही है। देखिए, 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,114 नए केस सामने आए हैं, जो देश में अभी तक एक दिन में रिपोर्ट हुए इस संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8,20,916 हो गई है। साथ ही देश में फिलहाल 2,83,407 सक्रिय मामले हैं। वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 22,123 हो चुके हैं, जबकि भारत में 5,15,385 इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में 105 कोरोना पॉजिटिव, जिसमें संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं 73। वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 32 है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया है। हिदायत जारी किया है, सभी दुकानें बंद रहेंगे, सिर्फ सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर, अस्पताल खुले रहेंगे और वाहन चलेंगे। आज बलरामपुर में वीर विनायक चौक से लेकर पूरे जिले में सन्नाटा पसरा हुआ है, वही जगह जगह पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। माइक अनाउंस के द्वारा लोगों से गुजारिश की जा रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकले और अपने घरों में रहे, जिससे कोरोना संक्रमित से बचा जा सके। कोरोना महामारी को लेकर जिले की प्रशासन अलर्ट है। वही ड्यूटी कर रही महिला कांस्टेबल सोनम बताती है कि लोगों से गुजारिश किया जा रहा है कि बाहर ना निकले, कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घरों में रहे, मास्क पहने, सैनिटाइजर से हाथ अच्छी तरह से धुले। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। इस वक्त में बलरामपुर बीच चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। दिखा दे रहा है जरूरतमंद की सामान, फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। जिला प्रशासन एडवाइजरी जारी किए हैं, मास्क के घर से न निकलें। मैं राहुल रतन, HBN न्यूज, जिला संवाददाता बलरामपुर। उत्तर प्रदेश वासियों से यही कहना चाहूँगी कि जो मोदी जी ने और योगी जी ने जो फैसला लिया है लॉकडाउन का, उसका उल्लंघन ना करें। मुंह पे मास्क लगाइए, जितना हो सके घर से बाहर ना निकले, हमेशा सेफ रहिए। और अगर आप सेफ रहेंगे तो हमारा देश सेफ रहेगा, आपके वजह से दूसरा भी इसका शिकार हो सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, आप हमेशा मुंह पे मास्क लगा के जहाँ कहीं भी जाएं मुंह पे मास्क लगाएं और हमेशा सुरक्षित रहें।